ब्लैक नाइट एक रहस्यमय सैटेलाइट जिसका रहस्य अब भी अनसुलझा है। वैसे तो वैज्ञानिक अभी तक हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित कर चुके हैं, लेकिन ब्लैक नाइट एक ऐसी सैटेलाइट है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 13,000 साल पुरानी सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में अभी भी चक्कर लगा रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह एक एलियन सैटेलाइट है जिसके सीक्रेट को नासा और गवर्नमेंट पिछले 80 सालों से छिपाते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में एक अज्ञात चीज को आसमान में तैरते हुए कई बार देखा गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह अनजान ऑब्जेक्ट स्पेस में आखिर क्यों तैर रहा है। आइए इस रहस्यमय चीज के बारे में विस्तार से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रहस्यमय चीज को निकोला टेस्ला ने सबसे पहले खोजा था। जब निकोला टेस्ला बिजली को वायरलेस तरीके से बांटने के लिए एक परीक्षण पर काम कर रहे थे, परीक्षण के दौरान टेस्ला ने अंतरिक्ष से आते हुए एक अज्ञात सिग्नल को डिटेक्ट किया। एक अनजान सिग्नल अंतरिक्ष से बार बार आ रहा था। टेस्ला को लगा कि यह सिग्नल किसी अनजान एलियन सभ्यता द्वारा भेजा जा रहा है और यह सिग्नल मंगल ग्रह से आ रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह सिग्नल मंगल ग्रह से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में कहीं किसी दूसरी जगह से आ रहा था। टेस्ला की इस डिस्कवरी के बाद 1927 में एक सिविल इंजीनियर जुर्गन होल्ट ओस्लो नॉर्वे में एक रेडियो रिसीवर पर शॉर्टवेव ट्रांसमिशन को सुन रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होकर बार बार वापस आ रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि वो क्या था, लेकिन उनके सिग्नल्स का इको 3 से 15 सेकंड के समय अंतराल में बार बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा था। उसके बाद 1928 और 1930 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सिग्नल्स के रिफ्लेक्शन को फिर से डिटेक्ट किया गया। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भ्रमित और अनुत्तरित कर दिया। 1954 में ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक हॉट टॉपिक रहा जब यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड की होय ने बताया कि यूएस एयरफोर्स ने पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स को डिटेक्ट किया है। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि उस समय किसी भी देश की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सके। उसके बाद ब्लैक नाइट सैटेलाइट को 1960, 1963 और 1973 में फिर से डिटेक्ट किया गया। 1998 में इस सैटेलाइट का पहला विजुअल एविडेंस सामने आया। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो यही वो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको ब्लैक नाइट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कई सालों के लिए गायब हो जाता है और अचानक फिर से सामने आ जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह एक एलियन सैटेलाइट है जिसको कि एलियनों ने हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग इस धरती पर पहले भी रह चुके हैं और उन्होंने ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया होगा। तो वहीं कुछ लोग ब्लैक नाइट सैटेलाइट को सिर्फ अफवाह मानते हैं। इस सैटेलाइट का सच क्या है ये अभी भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट लोगों की एक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट सच में पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसी ही मज़ेदार और रहस्यमय वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।